हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या है, जैसे कि आपको देख सकते हैं लिखा हुआ, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की आपकी मैथमेटिकल और लॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कराते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके ऑपरेटर्स होते हैं सी में भी, सी प्लस प्लस में भी। इससे पहले मैं आपको सी में वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बता चुका हूं और सेम लगभग ही ऑपरेटर्स आपके सी प्लस प्लस में भी होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी लिंक है वो मैं आपको अभी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी दोनों वीडियोज़ की लिंक, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अब बात करते हैं पहले ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू 10, बी की 20 और डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, ऐड करने पे क्या आ रहा है, मॉड करने पे क्या आ रहा है, तो आप आसानी से इसको यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल में। फिर अगर हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं, कह सकते हैं कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें दो वैल्यू का हम आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सपोज आपके पास दो नंबर हैं, आपने दो नंबर को कंपेयर किया कि दोनों में बड़ा कौन सा है, ए इज ग्रेटर देन बी तो या ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पर क्या है, दो आप क्या हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया, तभी आपका रिलेशनल ऑपरेटर वहाँ पर काम करेगा। और जो डबल इक्वल टू साइन होता है वो यहाँ पे किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वल टू के लिए करते हैं। तीसरा ऑपरेटर जो है वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक जो होते हैं वो तीन टाइप के लॉजिक्स होते हैं, एंड, और नॉट। तो पहले हम लोग बात करेंगे एंड लॉजिक की। एंड लॉजिक में क्या होता है, आपकी दोनों कंडीशंस ही ट्रू होनी चाहिए तभी फाइनल्स कंडीशन आपकी ट्रू होगी। और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू होगी तो जो एक्सप्रेशन होगी वो आपकी ट्रू हो जाएगी। और नॉट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, इट परफॉर्म लॉजिकल निगेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसको भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ सी में, उसको आप लोग देख लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैल्यू को इंक्रीज करना। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू को डिक्रीज करना। जो प्लस प्लस ऑपरेटर है जो होता है वन वैल्यू इंक्रीमेंट को, और जो माइनस माइनस होता है इसको हम लिखते हैं वन वैल्यू डिक्रीमेंट के लिए। और जैसे जैसे हम देखें, ए की वैल्यू 10 थी, प्लस प्लस किया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, आप एग्जाम्पल में देख सकते थे। अब बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं इनके आप डिफरेंट टाइप के सिंबल देख रहे होंगे, एंड का सिंबल, और का सिंबल, नॉट का सिंबल। अगर हम लोग एंड लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए दोनों वैल्यू सेपरेट हो गई, और लेकिन अगर हम यहाँ पे और लगा रहे हैं तो बिट क्या हो जाती हैं, ये बिट शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑपरेटर को समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे